हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी हम लोग निकल गए हैं बारात में शामिल होने के लिए, और मुरैना से हम लोग निकल रहे हैं। कल हम लोग रात में आ गए थे वहां से, देगरा से। फिर अभी हम लोगों ने थोड़ी बहुत अपनी तैयारी की और फिर उसके बाद निकल रहे हैं बारात के लिए। हुरैन को हम अभी जो है ऐसे ही लेकर के जा रहे हैं, उसको हम गाड़ी में तैयार कर देंगे। तो ये यहाँ से आगरा का सफर एक डेढ़ क्या दो घंटे का रास्ता है। तो तब तक हम उरू को रेडी कर देंगे, और मैं तो बस रेडी होके आई गई हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, मैं वहाँ जाके चेंज वेंज नहीं करूँगी। ये लोग भी बैठे हुए हैं आगे, और बाकी के हमारे जो सारे लोग जो तिगरा से आ रहे हैं बराती, तो वो हमें वहाँ पे मिल जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं आगरा, क्योंकि हमारी जो नई भाभी है वो आगरा की ही है। हम लोग बारात लेकर वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस हम जो है जब जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे हमारे पास फ़ोन आया भाई का कि आप लोग यहाँ पे रुक जाना, क्योंकि और भी सारी गाड़ियाँ जो भी आ रही हैं बारात के साथ में, मतलब बाराती जिसमें आ रहे हैं, तो वो सारी गाड़ियाँ जो है ना एक साथ में चलेंगी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि हमारी और भी जो भी गाड़ियाँ हैं वो साथ साथ में ही चलें। तो हम लोग यहाँ पे रुक करके चाय पी रहे हैं और हमने चिप्स वगैरह भी लिए। तो ये है मेरे भाई जो कि भोपाल से आए हुए हैं, तो हुरैन को खिला रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो है हमारी सारी गाड़ियाँ आ चुकी थी, और भाभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब उनको वॉमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई वो रास्ते में। सिर्फ ग्वालियर से मुरैना तक के सफ़र में ही इतनी ज़्यादा अस्सलामुअलैकुम चाचा। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद में हम लोग आ गए थे यहाँ पे होटल में, और यहाँ पे हम लोग को नाश्ता दिया गया है, और यहीं से हम लोग कपड़े वपड़े चेंज करके, जो भी जिसको भी मेकअप वेकअप करना है, कपड़े चेंज करने हैं, तो वो यहाँ से चेंज करके फिर हम लोग जाएंगे दूसरी जगह पे जहाँ से हमारी बारात उठनी है, मतलब जहाँ पे हमारा डीजे वीजे जो भी बैंड वगैरह रहता है, तो वो जहाँ पे होगा फिर हम लोगों को वहाँ पे जाना है। और भाई तुम तो यार तुम दूल्हा बने जा रहे हो यार, क्या बात है। आ लियो छोड़ो दूल्हा बनने के लिए, क्या मुस्कुरा रही है। और भी जितनी बारात की गाड़ियां थी वो भी सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे दूल्हे मियाँ के साथ में, मतलब मेरे भाई के साथ में, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके दूल्हा भाई हैं और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे भी दूल्हा भाई हैं, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, सब लोग एक साथ में नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि दूल्हे राजा को स्पेशल ट्रीट किया जाता है, तो उनके लिए सारा सब कुछ वहीं स्टेज पर ही लगाया गया था सारा नाश्ता, और हम लोग यहाँ पे बैठ करके कर रहे हैं। तो ना बहुत से लोगों को जो है ना यहाँ पे वॉमिटिंग हुई थी गाड़ी में, तो उसके चक्कर में जो है ना किसी का सर भारी हो रहा था, तो किसी का कुछ हो रहा था, तो ऐसे ही हुआ। और बहुत मज़े किए हम लोगों ने। जब हमें कहीं बाहर निकलना होता है ना, तो हम पूरी फैमिली एक साथ में जैसे कहीं जाते हैं ना,
क्योंकि मेरी फैमिली जो है ना बहुत बड़ी है, मेरे पापा की फैमिली बहुत बड़ी है, मेरे चाचा चाची बहुत सारे हैं, तो जितने भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, जैसे कि ये मेरे चाची है मेरे चाचा, तो आप लोग खुद बोलते हो कि अब इतने सारे चाचा चाची कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि देखो मेरे पापा के, बड़े पापा के बच्चे और मेरे चाचा के, तो इस तरह से मेरा बहुत बड़ा परिवार है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ मेरी चाची है मेरी चाची है, तो इस तरीके से। और क्योंकि देखो मानो तो सब कुछ है, सारे रिश्ते नाते हैं, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो लेट हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो हम लोग यहाँ पे लेट आए थोड़ा सा, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, क्योंकि जब हमें कहीं निकलना होता है ना, अगर एक अकेला पर्सन निकलता है ना तो ठीक रहता है, अगर ज़्यादा निकलते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। खैर टाइम पे हम लोग पहुँच गए, और बस उसके बाद में यहाँ पे अभी नाश्ता ही चल रहा है, और यहीं पे भाई का निकाह भी पढ़ाया जाएगा, कि काजी साहब भी आ चुके हैं तो यहीं पे उनका निकाह होगा। गजानन बाबा आनंद तो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई का निकाह हो चुका है। सॉरी गाइस मैं आप लोगों को भाभी नहीं दिखा पाई, क्योंकि हम लोग वहाँ अंदर रूम में थे, हम लोग रेडी हो रहे थे उस टाइम पे, और ये जो भी जितना भी शूट किया ये हमारे जैकी भाई ने शूट किया है, तो बस यहाँ पे अभी भाई सबसे गले मिल रहे हैं, सब लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, निकाह मुबारक हो, आप लोग भी बोल दीजिए उनको, बहुत सारी दुआएँ दीजिए हमारे नए जोड़े को। तो बस निकाह होने के बाद में यही होता है कि सबको मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है, तो बस वही चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो मोबाइल कहाँ चले गया? बस बस बोलिए, धन्यवाद मत करे।
तो गाइस फिर हम लोग जो है अपने रूम में आ गए थे और यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा सा टचअप करूँगी मैं तो, और बाकी लवली बाजी हैं, चाची हैं हमारी, वो सब रेडी होंगी, कपड़े अपने चेंज करेंगी, मेकअप करेंगे, और यहाँ पे अभी मैं हुरु के भी कपड़े चेंज कराऊँगी। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को क्या चीज़ अच्छी लगी है, और मेरे भाई को बहुत सारी दुआएं देना और भाभी को भी साथ में। तो कंटिन्यू रहिएगा मेरे व्लॉग्स के साथ में, अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और नेक्स्ट वीडियो बारात की होने वाली है, तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। अल्लाह हाफिज़।